कलेक्ट्रेट में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में 1500 से 2000 प्रतिदिन कॉलें आ रही हैं, जिसके संबंध में कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी सुनीता पटेल ने बताया कि प्रतिदिन होम आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, मरीज को भर्ती कराने के लिए तथा सैंपलिंग कराने के लिए लगभग 1500 से 2000 फोन कॉलें कंट्रोल रूम में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मरीज को भर्ती कराने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन बातचीत करके उनको भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 35 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि बाहर से आए लोगों से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो कि 3 शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, जो कि प्रतिदिन उनको कॉल करके उनका हालचाल ले रही है तथा उनके समस्याओं को जानकर निराकरण कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी सुनीता पटेल ने कहा, रेलवे हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, और अभी वहाँ क्या दिक्कत हॉस्पिटल में? प्राइवेट में भी देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पास प्राइवेट के किसी वेंटिलेटर के खाली होने की सूचना नहीं है। हाँ, उनका नंबर चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको, आप बात कर लीजिए उनसे। नंबर दे दे रहे हैं आप, आपके लिए आर वी हॉस्पिटल का नंबर वो नहीं करा रहे होंगे, और आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ काम कर लीजिएगा। संबंधित आवश्यक कार्रवाई, अरे जो जो जहाँ काम करते हैं सुबह बाजार में ही करते हैं, ये पता हमको चाहिए था। गोरख उनको दीजिए आप, उनको दीजिए आप, उनको दीजिए। हाँ, अरे मतलब जैसे वो कहाँ पे अपनी जांच कराए आपके, आप मैं कहीं पति से, पति से, अच्छा
बताए पिछले 7 दिनों से आप किसी समारोह या उत्सव उत्सव में कहीं गए थे क्या? अच्छा ये बताइए गए थे 7 दिन पहले बच्चा कोई हो या कोई भी? हेलो हाँ 7 दिन कहाँ गए थे आप? बच्चे कहीं आजमगढ़। और किससे गए थे आप? आप क्या करते हैं? किसी चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षा कराने गए? सुनीता पटेल डिप्टी DHIU पद है, कंट्रोल रूम प्रभारी स्वास्थ्य विभाग से। कंट्रोल रूम में डेली कॉल करीब 1500 कॉलें आ रही हैं और मरीज से संबंधित कॉलें आ रही हैं, जो कोविड पेशेंट हैं, होम आइसोलेशन पेशेंट हैं, जो मरीज को भर्ती कराना है उनसे संबंधित कॉलें आ रही हैं, जो सैंपलिंग से संबंधित कॉलें हैं, फिर वैक्सीनेशन से संबंधित कॉलें हैं, सारी समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण हम लोग कर रहे हैं। मरीज को भर्ती कराने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, फिर भी हम लोग मरीज को भर्ती कराने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी अभी हम लोग टीम बढ़ाए हैं, करीब 35 लोगों की टीम काम कर रही है और नोडल भी लगा दिया गया है, 3 नोडल शिफ्टवार काम कर रहे हैं और उसके अलावा डॉक्टर की टीम काम कर रही है, होम आइसोलेशन पेशेंट से बात कर रही है और आवश्यक सुझाव दे रही है। होम आइसोलेशन पेशेंट से बात करके लोग जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे उनको रहना है, कैसे सावधानी बरतते हुए परिवार के बीच दूरी बना के रहना है और उनको एक फार्मेट के जरिए जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उनको दवा मिला कि नहीं, डॉक्टर उनके पास गए कि नहीं, उनका घर सैनिटाइज हुआ कि नहीं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जाती है। उसके अलावा उनको ब्लड सैंपलिंग के बारे में जानकारी ली जाती है, क्योंकि ब्लड सैंपलिंग के लिए भी टीम गठित हुई है तो उनको आवश्यक सुझाव दिया जाता है। प्रतिदिन लगभग कितने काले आ रहे हैं? प्रतिदिन तो करीब 150-200 काले तो मेरे पास ही आ जाती है और टीम के पास तो काफ़ी काले आते हैं, करीब 1500-2000 तक काले आ जाते हैं और यहाँ से भी हम लोग काफ़ी काले यहाँ से भी जाती हैं, डेली काफ़ी काल की जा रही है और जितने भी काले आते हैं अधिक से अधिक हम लोग समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं।